भेदभाव वो होता है जो हम दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, एक को ऊंचा और एक को हम नीचा दिखाते हैं। जेंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसके बारे में, रंग, कलर, हाइट, तू सुकड़ा है, जाड़ा है, कोई हैंडीकैप है और कोई इंसान, उसके बीच में भेदभाव होता है ज़्यादा। कर्नाटक में हम हिजाब के लेके प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी बेसिस पे किया गया अनजस्ट ट्रीटमेंट या अनफेयर व्यवहार, जैसे वो थोड़ा अच्छा दिखता है और वो थोड़ा ख़राब दिखती है तो उसको बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, जो अच्छी नहीं दिखती है उसको, उसके ऊपर बहुत कमेंट्स करेंगे। ओल्ड जनरेशन के इंसान थे, उन्होंने निकाल के कि भेदभाव ऐसा होना चाहिए। आजकल के पॉलिटिक्स वाले ज़्यादा करके भेदभाव है ना हिंदू और मुस्लिम पे कर रहा है, कि उनको पता है कि ये सब एक साथ हो जाएंगे तो हम ज़्यादा करके उनका फ़ायदा वो हिंदू और मुस्लिम पर उड़ाते हैं। कोई ज़्यादा अच्छी खानदान से होता है या बड़ी पोस्ट पे है। लड़कियों को सीखने नहीं देते गांव साइड में, और लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए सीखने को देते हैं, उनको डिग्री देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज एन अनजस्टिफाइड थिंग हैपन बिटवीन टू पीपल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड द वे ऑफ टॉकिंग। तो कुलदीपक है हमारा, तू तो शादी करके चली जाएगी, तो तू लड़की है तो तुझे पढ़ना नहीं चाहिए। एक लड़का और लड़की थे, उनके पेरेंट्स भी थे, बट ज़्यादातर है ना वो अपने बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, मतलब उसको ज़्यादा चाहते तो लड़की को कम करते थे, जो कि उनकी लड़की हर एक चीज़ में बहुत अच्छी थी, मे बी ड्राइंग बहुत अच्छी करती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी वो अपनी बेटी पे इतना कभी ध्यान ही नहीं दिए। नानी और मामी है, इन लोगों को ये चाहिए, मतलब कि उन लोग का ऑलरेडी फर्स्ट चाइल्ड जो है वो लड़की थी, और जो दूसरी, जो दूसरे के लिए जब वो लोग गए तब वो उनको पता चला दैट शी इज़ अ गर्ल, इसीलिए उन लोग को थोड़ा ऐसे पहले स्टार्टिंग में वो लोग इतने खुश नहीं थे, बट हम अभी उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते। सो ऐसा था कि लड़का होता तो कंप्लीट फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। मेरी फ्रेंड को लेके होते हुए देखा है, जो मतलब उसने 12th दिया लेकिन उसको पढ़ाई को लेके उसके रिलेटिव्स उसको जज कर रहे थे, उसके फैमिली में जो मेंबर थे, उसके चाची चाचा या जो भी है, अगर एक बार फेल हो गई या दो बार फेल हो गई लेकिन उसी को लेके, वही टॉपिक को लेके उसको जज करते थे कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे खुद के घर में मेरी छोटी बहन है और मेरी मम्मी है, तो उनके साथ भी ये भेदभाव हुआ है, लाइक मेरी खुद की दादी ने ये किया हुआ है, तो मतलब उनकी भी लड़कियां हैं, तो उनकी लड़कियां उन्हें प्यारी है, वो शादी ब्याह करके चली गई है फिर भी उन्हें वो प्यारी है, बट आप दूसरों की लड़कियां अपने घर पे ला रहे हो तो उनके साथ आप भेद करते हो। मेरे साथ में हुआ है, क्योंकि मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था, तभी ओपन कास्ट के लिए ज़्यादा फीस था और दूसरे अदर कास्ट के लिए कम फीस था, तो थोड़ा कुछ तो सेम होना चाहिए फीस के बारे में। लड़कों को नाइट आउट के लिए अलाउ किया जाता है, लड़कों को हर बात के लिए अलाउड किया जाता है, बट लड़कियों को बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको नहीं अलाउड किया जाता है। लड़की लोग के साथ जब वो जॉब पे जाती है तो उन्हें बोला जाता है कि तुम मुस्लिम्स हो, हम मतलब बुरखा अलाउड नहीं कर सकते तुम्हें, जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी दे नहीं सकते तुम्हें, उस वजह से मतलब मुस्लिम्स लोग को मतलब बहुत गर्ल्स को जॉब वगैरह नहीं मिल पाती है। वहाँ के लोग बोलते थे कि आप कहाँ से हो, तो हम लोग जैसे बताए फ्रेंड में तो कि मैं यहाँ से हूँ, तो बोलते हैं कि आप वहाँ के लोग ना ऐसे ही करते, गोवंडी के लोग अच्छे नहीं है, गोवंडी के लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, गोवंडी के लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकते। स्त्री या पुरुष हो या ऊंच जात हो नीच जात हो या उनका लैंग्वेज अलग हो, धर्म अलग हो, जात अलग हो, जो भी है, लेकिन वो इंसान है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। पुस्तकामध्ये हिस्ट्री आणि त्याबरोबर सिविक्स पण शिकवलं होतं, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही संविधान शिकवलं त्यांना की त्याच्यामध्ये असं सगळं हाय संविधानमध्ये, तर त्याच्याने कमी होऊ शकतं। जैसे जैसे हमारा बोलते ना इंडिया जैसे बदल बदल रहा है, वैसे लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। सोशल अवेयरनेस, ड्रामा, हम लोग अच्छे बन के पढ़ाई करके आगे बढ़ के उनके सामने खड़े हो सकते हैं कि हम लोग भी एक अच्छे रिच फैमिली से नहीं है तो क्या हुआ, पर हम लोग भी इतना हमारे अंदर शक्ति है, इतने हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग से तो अच्छे ही है। मम्मी और डैडी दोनों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि मान लो आपके साथ हो गया होगा वो सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ आगे जाके आप कंटिन्यू ना करें, आप अपने बच्चों को उनका जो अधिकार है या फिर उनमें जो सोच डालनी है
वो मम्मी डैडी ने डालनी ज़रूरी है। आज की तरुण यूथ युवा पीढ़ी है जो बहुत ही उनके साथ उनके पास जोश है, लेकिन वो सारा जोश अगर वो शिक्षा के ज़रिए इस भेदभाव को मिटाए तो ये भारत बहुत ही सुंदर भारत बन सकता है।